संजीव झा से शुरुआत करते हैं। संजीव झा, अब ये लोगों की आइडियोलॉजी या कहें लोगों की सोच, सोकर उठते हैं तो बदल जाती है, यहां तो जागे जागे बदल गई। 2:30 बजे ट्वीट किया और 6:30 बजे खबर आ गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए ये है, ये अलग बात है, इस पर आप बोलेंगे, लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है कि क्या केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए, नेताओं ने छोड़ना शुरू कर दिया? कि मैं मानता हूं कि यह घड़ी थोड़ी मुश्किल है और सबको लड़ने का जज्बा उस तरह का नहीं हो सकता। बहुत लोग टूट जाते हैं, बहुत लोग कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत लोग घबरा जाते हैं। ये गलती कोई राजकुमार आनंद की नहीं है। राजकुमार आनंद वो नहीं लड़ पाया, वो घबरा गया। आप देखिए ना, आपने सारी बात तो आपने कह दी, सबके सामने है। यही बात अरविंद केजरीवाल जी कहते थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे जो जो कहा आज वो सच हो रहा है। अरविंद जी ने कहा था ना कि हमें जेल कोई भ्रष्टाचार की जांच के लिए नहीं भेजेंगे, हमें जेल भेजकर आम आदमी पार्टी को तोड़ेंगे, आम आदमी पार्टी को एमएलए खरीदने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी के सांसद खरीदने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वही हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज करके ये आम आदमी पार्टी तोड़ रहा है। संजीव झा, कौन तोड़ रहा है, खुल के बताइए ना, कौन तोड़ रहा है ये सब? आप किसी से पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को खत्म इसलिए करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है आम जनता की, आम लोगों की। वो उस उम्मीद को मारना चाहते हैं, उस उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत बड़ी साजिश है। ये जो एक्साइज घोटाला की बुनियाद आज से 1.5 साल पहले रची गई थी, आपने देखा ना वो सरकार राज एक मूवी बनी थी, किस तरह से कहां साजिश रची जाती है, फिर उसका कारण क्या होता है, अंजाम क्या होता है, वही कर रहे हैं। 1.5 साल पहले जो साजिश रचा था, कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं करने को रचा था, इसी बहाने की एक दिन अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे और आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात में और गौरव बड़ी बात में कहना चाहता हूँ, मैं भी आम आदमी पार्टी का विधायक हूँ और मैं 3री बार चुनाव हुआ विधायक हूँ। मुझे लगता है कि चंद लोग तो कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक देश को नई उम्मीद दी है, उस उम्मीद के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, संजीव जी आप रहिए मेरे साथ। आपने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया, शहजाद आप तोड़ रहे हैं, राजकुमार आनंद की गलती नहीं है, बीजेपी की गलती है राजकुमार आनंद का पार्टी छोड़ना, सरकार से इस्तीफा देना। देखिए, जहाँ तक ये एलिगेशन है कि हम इनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं, क्योंकि भाटी साहब हमारे कवर करते हैं आम आदमी पार्टी को, वो आपके सामने हैं। 1.5 साल पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, गौरव जी, 800 करोड़ का ऑडियो टेप आम आदमी पार्टी के पास है, बीजेपी ने इनको बचा के रखा है पैसों को ताकि हमें तोड़ सके। आज तक ना शिकायत की उस पर, ना उसको ऑडियो टेप को कभी जारी किया, बताइए क्यों नहीं किया? अभी आतिशी ने आरोप लगाया उस पर, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा, बोला कि बताइए नाम, तो अभी उससे पीछे हट गई। इनकी बातों का क्या भरोसा करें? इन्होंने तो अरुण जेटली जी, गडकरी जी के बारे में जो बोला, खैर अब आते हैं पलटने की बात पर। पलटने की बात से याद आया, और भाटी जी और मुस्कुराएंगे, यही रामलीला में तो हमने पलटने का सबसे बड़ा नमूना देखा। भाई, जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहते थे, अब वो झाड़ू से दारू पे पलटे, स्वराज से शराब पे पलटे, अन्ना से लालू पर पलटे, और पलटे उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजना चाहते थे, उनके साथ खड़े होकर कहते कि हम पर कोर्ट की कार्रवाई होने के बाद हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो पलटने का धर्मांतरण हमने देखा है। परंतु आज के मुद्दे पर आते, अब बताइए, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, शांत भूषण, शांति भूषण, क्या ये डर से पलटे क्या? और वो पलट के गए किधर? क्या हमारे साथ आए? और बताइए कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी अपने मंत्रियों पर आरोप डाल रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि मुझे अभी 2.5 घंटे पहले ट्वीट किया उन्होंने कि भाई मोदी सरकार के दबाव में तिहाड़ जेल प्रशासन काम कर रहा है क्या, और 2.5 घंटे में वो पलट, 2.5 घंटे और 2.5 घंटे में 4:30 बजे तो खबर आ गई थी, 2:30 बजे ट्वीट किया बोलिए सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास, आप 2.5 घंटे की बात कर रहे हैं भाई, कुछ लोग तो रामलीला में कस्में खाते थे बच्चों की, वो पलट गए भाई। तो मैं पूछना चाहता हूं, आज तिहाड़, पहले तो आपको बता दूं, तिहाड़ जेल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दिल्ली सरकार के तहत आता है। सत्येंद्र जैन को रेपिस्ट से मालिश करा रहे थे ना ये लोग, पर बात वो नहीं है। बात ये है कि दो विषय है, एक तो जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने सारा ठीकड़ा अपने मंत्रियों पर डाला कोर्ट में, उसके बाद कैलाश गहलोत ने आतिशी पर डाला, आतिशी ने सौरभ पर डाला, सौरभ ने दुर्गेश पर डाला, वो सारे एक दूसरे को ऊपर डाल रहे, तो राजकुमार आनंद को लगा होगा भाई मेरे पे आए उससे पहले मैं निकल लूं। दूसरी बात, 10 सेकंड, दूसरी बात, अब जो हाईकोर्ट का आदेश आया है और उस हाईकोर्ट के आदेश में साफ साफ लिखा है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, और एक स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के एक नेता का है जिसके आधार पर केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिली है और उनके अरेस्ट को सही बताया गया है, उस आम आदमी पार्टी के नेता के बारे में पता कीजिए।
हो सकता है कि अब ये हो रहा हो आलम वहां पर कि भाई केजरीवाल हमें फंसा, उससे पहले हम ही निकल जाए। ठीक, ओके। आप भाटी जी की बात कर रहे थे, भाटी जी के पास चलते हैं। संजीव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस बीच हमारे साथ अनिल भारद्वाज कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन पहले जितेंद्र भाटी। जितेंद्र, क्या है इनसाइड स्टोरी, बताइए जरा, राजकुमार आनंद कहां जा सकते हैं? अभी तक कुछ कहा उन्होंने, कहां जा रहे हैं वो? देखिए, अभी अगर कोई कहीं से जाता है तो कहाँ जाता है आपको भी पता है, लेकिन दूसरी बात मैं बताऊँ तो राजकुमार आनंद की 4 अप्रैल को मैंने उनको इंटरव्यू किया, वो मौका था संजय सिंह जब जेल से छूटे तो दूसरे राजघाट गए थे, वो थोड़ी देरी से आए और उस वक्त उनसे मेरी बातचीत हुई, इंटरव्यू तभी का है। मैंने पूछा आपको खुश होना चाहिए आपके नेता बाहर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर चिंता थी, उन्होंने कहा कि संजय सिंह तो बाहर आ गए, बड़े नेता का क्या होगा। तो देखिए, कुछ डॉट्स को आप मिलाएंगे तो जवाब आपको मिल जाएगा, उसको लेकर राजकुमार आनंद थोड़े चिंतित थे। दूसरा, हाईकोर्ट का जो हुआ वो डॉट आप जोड़िए। तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई चाहती थी आम आदमी पार्टी, वो नहीं हुई। तीसरा, उसके बाद चौथा ये कि राजभवन कोर्ट्स में जो उनकी याचिका लगी हुई थी वकील यादव ने, तो तमाम चीज़ों को देखकर आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जीत आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कहा है कि क्योंकि इनकी सीट रिजर्व थी, ये जीत नहीं रहे थे, तीसरे नंबर पर आ रहे थे, ईडी के का संबंध था, 12 तारीख को इनको ईडी बुलाने वाली थी, आज 10 तारीख है। आप समझ सकते हैं किस वजह से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है। बिल्कुल, देखिए, तो अगर बात करें 2 नवंबर की, वही तारीख है जिस दिन अरविंद केजरीवाल को पहला जो है समन था, उसी दिन राजकुमार आनंद के यहाँ पर रेड पड़ी थी और तकरीबन 23 घंटे चली थी, हमने उसे कवर भी किया था और एक कस्टम का पुराना मामला था। अब खबर ये भी है कि 12 अप्रैल यानी कि आज 10 तारीख के 2 दिन बाद भी ईडी का जो समन है वो राजकुमार आनंद के लिए जारी है, ऐसा आम आदमी पार्टी का भी दावा है। तो कहीं ना कहीं राजकुमार आनंद को इस बात का डर था कि अगर इतने बड़े नेता जो हैं वो जेल जाने से नहीं बच पाए, अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनके लिए क्या होगा, तो ऐसे में उन्होंने शायद पार्टी छोड़ने में भलाई समझी और कहां जाएंगे भी इसको लेकर साफ नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी कहना है कि वो बीजेपी जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया जीत आपका इस इनसाइड स्टोरी के लिए आपका।